हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वीट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को मैंने चावल के आटे से बनाया है। अगर आपको भी मीठा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की यम्मी सी रेसिपी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए किचन की ओर चलें। आज की स्वीट डिश बनाने के लिए एक कप चावल का आटा लेंगे और उसे अच्छी तरह से छान लेंगे। चावल के आटे में जम्स बहुत जल्दी लग जाते हैं, इसलिए इसे छानना जरूरी है। अब इसमें सवा कप एकदम गर्म पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक कप आटे के लिए हम सवा कप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसके बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट के बाद आटा अच्छी तरह से फूल चुकी है और थोड़ी ठंडी भी हो गई है। अब हम इसका डो बना लेंगे। बहुत ही आसानी से इसका डो बनकर तैयार हो जाएगी। आटे में थोड़ी सी घी डाल देंगे तो डो हमारा एकदम चिकना बन जाएगा। देखिए, एकदम चिकनी डो बनकर तैयार है, बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। अब हमें पूरी की साइज की छोटी छोटी बॉल्स बनाने होंगे। देखिए, इतने बड़े बड़े ही बॉल्स बनाएंगे, ज़्यादा बड़े बॉल्स नहीं बनाएंगे। इसी तरह से हमें सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी होगी। इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम प्यारे प्यारे चिकने चिकने बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब एक पैन में 2 गिलास पानी डालेंगे और उसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसके बाद 2 इलायची डाल देंगे इसे तोड़कर, और सारे बॉल्स भी पानी में डाल देंगे। बॉल्स को लगभग 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। दो से तीन मिनट हो जाए, उसके बाद एक बार इसे उलट पुलट कर देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। 8 से 10 मिनट हो जाएं, इसके बाद 1 गिलास दूध ऐड कर देंगे और साथ ही 4 बड़े चम्मच चीनी भी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। 2 मिनट के बाद देखिए, हमारा स्वीट डिश एकदम तैयार है। इस नाश्ते को 2 या 4 पीस नहीं, पूरे पेट भरकर खा सकते हैं। इसे खाने के बाद पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। ऊपर से पीसी हुई बादाम से गार्निश कर देंगे, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो इस स्वीट नाश्ता को आज ही बनाइए और पूरे परिवार के साथ खाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इजी और यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।